नमस्कार साथियों, आज एक वे से रिलेटेड महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। और वे का नहीं है भाई, गल्फ देशों में कोई भी देश आप दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन रहते होंगे, नियम लगभग सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में काम के लिए आपने अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप कंपनी में चले गए। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको कंपनी ने विजिट वीज़ा में बुला लिया। दोनों ही कंडीशन में कंपनी, मान लो आपको पहली वाली कंपनी से, आप उस कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, ऑफर लेटर पर आपका साइन हो जाता है, वो कंपनी पहले वाली छोड़ के, वीज़ा कैंसिल करवा के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। गौर से सुनने की बातें हैं। या फिर आपको कंपनी अपने देश से, जैसे आपको इंडिया से विजिट में बुला ले कि आप आ जाओ, हम आपका वीज़ा लगा देंगे। दोनों ही कंडीशन में कंपनी में पहुंच जाते हैं। कंपनी में पहुंचने के बाद आपका मान लो अग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद में कंपनी आपका वीज़ा लगाने में, प्रोसेस करने में लेट कर देती है। आए दिन मेरे पास मैसेज आते हैं आप लोगों के, सर कि मेरा समय खत्म हो गया, कंपनी वीज़ा नहीं लगा रही है, ओवर स्टे हो गया, कंपनी वीज़ा नहीं लगा रही। इस स्थिति में आप क्या करें? आपके पास कौन से दो रास्ते हैं जिसके थ्रू आप अपना प्रोसेस करवा सकते हैं, या फिर कंपनी के खिलाफ में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, दबाव डलवा सकते हैं ताकि कंपनी आपका वीज़ा लगा सके। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो तो किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि आपके मन में ये होता होगा यार क्या करें, जैसे आप इंडिया से गए हैं, आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, कंपनी ने वीज़ा नहीं लगाया, तो आपके मन में सवाल ये आता है कि भाई क्या करें, इंडिया वापस जाएं या फिर दूसरा ऑप्शन है वीज़ा एक्सटेंड करें। एक्सटेंड करोगे तो आपका चार्ज लगेगा, वो भी विजिट का ही होगा, परमिट तो होगा नहीं। या फिर आप जैसे कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाए, कंपनी आपको जो ठीक आ जाओ जी, हम आपको जॉब लगवा देंगे, ऑफर लेटर पर साइन करवा लिए और आप उसी भरोसे में चले गए और कंपनी आपको लेट कर रही है और आपका टाइम निकला जा रहा है कि आपको टेंशन हो रही है कि समय, क्योंकि पहले 30 दिन का टाइम मिलता था आपको, किसी कम आपको वी में वीज़ा कैंसिल होने के बाद आप 30 दिन रह सकते थे, अभी तो चलो 180 दिन से 180 दिन का समय कर दिया, 3 महीने से 6 महीने तक आप बिना वीज़ा के वहाँ पे रुक सकते हैं और स्टे में नहीं आओगे आप। जी हाँ, ये बात तब लागू होती है जब आपको कोई कंपनी वीज़ा कैंसिल कर दे, कंपनी निकाल दे, तब की बात है। ये नहीं कि यहाँ से विजिट में जाकर आप वहाँ ओवर स्टे कर लो और आपका फाइन नहीं लगेगा, उस कंडीशन में आपका फाइन लगेगा। जी ये जो बता दूँ, पूरा जो प्रोसेस है वो मानव संसाधन मंत्रालय जो डिग्री 2015 में एक डिग्री यानी संशोधन हुआ था 764 में, जी हाँ, उसके तहत ये पूरा प्रोसेस चलेगा। पहली बात तो हम बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो अग्रीमेंट होता है वो आपका सिग्नेचर भी उसमें होता है और आपकी नियोक्ता या आपकी कंपनी के सिग्नेचर भी होते हैं उसमें, अग्रीमेंट जो होता है। जी हाँ, वो अग्रीमेंट बता दूं मोरे द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि अग्रीमेंट भी भाई कई प्रकार के होते हैं। मोरे द्वारा रजिस्टर्ड मानव संसाधन मंत्रालय की शर्तों को जो पूरा करता हो, वही अग्रीमेंट पे आप अगर साइन करते हैं दोनों जने, आप और आपके कंपनी का मालिक, तब तो आपका है प्लस पॉइंट, क्योंकि वो मोहरे में रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत होता है वो, यानी मोहरे में आपका रिकॉर्ड चला गया जो ऑफर लेटर पे आपने साइन किए थे उस समय। अगर आपका नियुक्ता, अगर उस स्थिति में आपका नियुक्ता आपका कंपनी का मालिक वीज़ा लगाने में आनाकानी करता है या समय निकाल देता है या और स्टे हो जाता है, तो आप मोहरे में कंपनी के खिलाफ में, आपकी नियुक्ता के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं उस ऑफर लेटर के बिहाफ पे। लेकिन वो ऑफर लेटर बता दूं मोहरे द्वारा पंजीकृत रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो ही ऑफर लेटर। अब एक ऑफर लेटर कौन सा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा ऑफर लेटर वो है जो आप और उनके बीच में, ऑफर लेटर तो है आपकी नज़र में ऑफर लेटर है, ठीक है जी, जैसे सेम आपसे इंडिया में जो साइन करवाए जाते हैं ना, वो मोहरे द्वारा नहीं होता है, वो कंपनी का बनाया हुआ ऑफर लेटर होता है, उस पर आपके साइन हो जाते हैं। जी हाँ, और वो आप कई बार ऐसे देखा ना कि आपके इंडिया में आपके ऊपर साइन करवाए और वो ऑफर लेटर आपका कैंसिल कर दिया, फाड़ दिया, दूसरे पे साइन करवा लिए गए, उसमें पगार दूसरे कम बता दी या जॉब चेंज कर दिया, ऐसी स्थिति होती है ना, तो वो है मोहरे द्वारा रजिस्टर्ड जो ऑफर लेटर बोला जाता है, ओरिजिनल ऑफर लेटर वही होता है। आप दूसरी स्थिति में भाई देखिए, आप और उनके बीच में अग्रीमेंट हो जाता है, आप साइन भी कर देते हैं, लेकिन वो मोहरे द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है वो अग्रीमेंट, तो भाई आप उनके खिलाफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक अल्टरनेट बच सकता है कि आप संबंधित आपका जो भी क्षेत्राधिकार है, जिस जहाँ जैसे वी दुबई वी के अंदर कहीं पर भी आप रहते हैं, अदालत के पक्ष में, अदालत में जाके इस मामले को उठा सकते हैं, नागरिक दावा कर सकते हैं अपने नियुक्ता अपने मालिक के खिलाफ में कि ये मेरा अग्रीमेंट है, इसके साथ में उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला, ये मेरा प्रोसेस है, ये आपको करना पड़ेगा खुद। ये एक अल्टरनेट है, बाकी ओरिजिनल ऑफर लेटर होगा तो
तो ये आप कंपनी के खिलाफ में मोरे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मैटर फंसा हुआ है, पेचीदा सिस्टम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूएई में कहीं पर भी कोई लीगल एडवाइज़र जो एडवोकेट्स होते हैं लेबर ला के, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके अपना समाधान करवा सकते हैं। बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अग्रीमेंट करते समय ध्यान रखें कि अग्रीमेंट वहीं पर साइन करें जो मोरे द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड अग्रीमेंट हो, वही मान्यता होगा आपका ओरिजिनल, ताकि कंपनी कल को आपके साथ कोई प्रॉब्लम करें। ऑफर लेटर की कॉपी है तो आप मोहरे में कंपनी के खिलाफ जाके खड़े हो सकते हैं। अगर आपने दूसरे ऑफर लेटर पे साइन कर दिया जो मोहरे में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका वो ऑफर लेटर जाके आप मोहरे में भी जाओगे तो उसका कुछ नहीं बटेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की है। बस ये अपडेट देनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय।